मंगल भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा दुःखभाग्भवे। ओम असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं च एव। ओंकाराय नमो नमः। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, कान जो नहीं कर रहे हैं। मा विद्यावहै। ओम शांति शांति शांति। ध्वनि प्रयोग, ओम की ध्वनि 5 बार लंबा गहरा श्वास लें। महाप्राण ध्वनि, लंबा गहरा श्वास ले। अरहम, अ का उच्चारण करते वक्त चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, 2 सेकंड अ का उच्चारण करें। रह का उच्चारण करते वक्त चित्त को आनंद केंद्र, दोनों घुसों के मध्य गड्ढे के स्थान पर केंद्रित करें। 4 सेकंड में रह का उच्चारण करें। और म का उच्चारण करते वक्त चित्त को क्षुद्धि केंद्र, कंठ के मध्य भाग से होते हुए ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान तक पहुंचाएं, और 6 सेकंड में म का उच्चारण करें। पूरा सांस भरे।
तैयार, एक दो, 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 रिलैक्स, लेफ्ट हाथ नीचे, राइट हाथ ऊपर, एक दो तीन चार, 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 हाथ बदली, लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, एक दो तीन चार, 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 रिलैक्स, सर्वाइकल के लिए लेफ्ट हाथ नीचे, राइट ऊपर, अंगुलियों को इस ढंग से लॉक करें, राइट साइड से लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाएं, एक कोनी गर्दन के पीछे जाएं, दो सेंटर में पूरा खींचें, तीन लेफ्ट साइड से बाहर निकालें, चार मूल स्थिति में आए, एक दो तीन चार, 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 हाथ बदली कर, अब लेफ्ट साइड से, एक दो तीन, राइट से बाहर निकाले, चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, रिलैक्स, हाथों के उंगलियों को आपस में लॉक करें, सांस भरते हुए पूरा तनाव देते हुए आ, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड डाउन, कोहनी गर्दन के पीछे जाएं, अप लेफ्ट, अप राइट, अप लेफ्ट, अप राइट, अप लेफ्ट, अप, दोनों हाथ गर्दन के पीछे, एंटी प्रेशर, गर्दन को पीछे धक्का दे, हाथों को आगे, श्वास भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े, राइट हैंड राइट गाल पर, एंटी प्रेशर, श्वास भरे छोड़े, बड़े छोड़े, बड़े
छोड़े, लेफ्ट हैंड लेफ्ट काल पर, श्वास भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े। दोनों हाथ समन में मुद्रा, हाथों को गोलाकार घुमाएं, आगे से पीछे कोने मिलाते हुए, श्वास भरे छोड़े, पुनः श्वास भरे पीछे से आगे, छोड़े पूरा श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए कोने मिला ले, भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े। दोनों कोनों को ऊपर की ओर ले जाए, जितना खिंचाव दे सके दे, दोनों कोने नीचे की ओर, पीछे अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप राइट कोनी को ऊपर की ओर धक्का दे छोड़े, लेफ्ट कोनी को ऊपर धक्का दे छोड़े, कमर के लिए लेफ्ट राइट, रिलैक्स, आराम से बैठे। आज हम करेंगे प्राणायाम के साथ साथ योगी क्रियाएं। कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, प्राणायाम, पूरक रेचक कुंभक की क्रिया। पूरक का तात्पर्य पूरा श्वास भीतर भरना, रेचक का तात्पर्य पूरा श्वास रेचक कर देना अर्थात खाली कर देना, और कुछ नहीं बोलो वह कुंभक करे अर्थात श्वास को रोके। हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले श्वास रोकने का अभ्यास न करें, बाकी भी जिनको बेचैनी होती हो तुरंत श्वास छोड़े, जबरदस्ती श्वास को न रोके। पूरक, पूरा रेचर, पूरा रेचर, पूरा रेचर, पूरा रेचर, रिलैक्स, मंद श्वास। इस क्रिया में जब पूरा करते हैं और भीतर 8 सेकंड रोकते हैं, तो बाहर जब रेचर करते हैं तो 4 सेकंड रोकना है। 2:1 का रेशो से इसमें श्वास पर श्वास चलेगा, 10 सेकंड भीतर रोका तो फिर 12 सेकंड, 5 सेकंड फिर बाहर श्वास छोड़ने के बाद रोके, और अपने सामर्थ्य अनुसार इसकी धीरे धीरे अवधि बढ़ाएं।
कपाल भाती, श्वास को तेजी के साथ छोड़े, प्रयत्न पूर्वक छोड़े। जैसे ही श्वास छोड़े, नाभि पर चोट हो, पेट भीतर की ओर टिचके, श्वास लेने में कोई प्रयत्न नहीं, स्वाभाविक रूप से श्वास लें। हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम वाले अथवा पेट का कोई अभी अभी ऑपरेशन करवाया हो तो सामान्य गति से करें, बाकी मध्यम गति से। थकान आ जाए, चक्कर आने लगे, पेट में खिंचाव होने लगे, तुरंत रुक जाए, जबरदस्ती न करें, सहजता के साथ पूरे मनोयोग पूर्वक करें कपाल। मंद श्वास, धीमे धीमे श्वास ले, धीमे धीमे श्वास छोड़े, मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का झनझनाहट का अनुभव, पुनः शरीर तैयार, संकल्प को साथ में जोड़े। जिस प्रकार का भी रोग, विकार, दोष शरीर के भीतर में हर झटके के साथ बाहर निकल रहा है, इसी प्रबल संकल्प के साथ पुनः पूरे मनोयोग पूर्वक अपनी सामर्थ्य अनुसार करें कपाल भाति। मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव, भीतर खालीपन का भाव, निर्विचार भाव, विचार जैसे खो गए, तिरोहित हो गए, हथेलियों में घर्षण, आंखों पर लगाए,
भीतर आंखों को टिमटिमाए और धीरे धीरे खोले, मस्तिष्क की क्रिया, दोनों हाथों को फैला दे, मस्तिष्क के भाग को प्रताड़ित करें ताकि मस्तिष्क के न्यूरॉन्स सक्रिय हो जाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 रिलैक्स। पुनः एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 रिलैक्स। फोरहेड को मसाज दे, हथेली को मसाज कर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 रिलैक्स। दोनों भौहों में खिंचाव दे, आईब्रो को ऊपर की ओर खींचे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नॉर्मल लाए। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स। आंखों की क्रिया, गर्दन को सीधी रखें, केवल आंखों की पुतलियों को घुमाएं, लेफ्ट साइड देखें, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। आंखें बंद, अब छत की ओर नजदीक देखें, डाउन फर्श की ओर नजदीक देखें, अब डाउन, अब डाउन, अब डाउन, अप डाउन। आंखें बंद, तिरछा देखें, हाथों की मुद्रा इस ढंग से बना लें, सांस भरते हुए लेफ्ट अप, लेफ्ट अंगूठे को ऊपर देखें, सांस छोड़ते हुए राइट डाउन, राइट अंगूठे को नीचे देखें, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन। आंखें बंद, हाथों को पतली कर दे, राइट ऊपर लेफ्ट नीचे, राइट अप राइट अंगूठे को ऊपर देखे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अंगूठे को सांस भरते हुए अप राइट लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट डाउन राइट अप लेफ्ट डाउन। रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद, बंद को प्रेस करें, भीतर ही भीतर दबाएं, ढीला छोड़े, प्रेस करें, ढीला छोड़े, प्रेस करें, ढीला छोड़े, प्रेस करें, ढीला छोड़े, खोले, बंद करें, प्रेस करें, ढीला छोड़े, खोले, बंद करें, प्रेस करें, ढीला छोड़े, खोले,
बंद करे, प्रेस करे, हीरा छोड़ी खोले, आयताकार, रेक्टेंगल, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, राइट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट अप, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, राइट अप, राइट डाउन, लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप, राइट अप, राइट डाउन, आगे बात एंटी क्लॉकवाइज, राइट डाउन, राइट अप, लेफ्ट अप, लेफ्ट डाउन, 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 आंखें बंद, क्लॉकवाइज, गोलाकार, लेफ्ट अप, राइट डाउन, 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 जल्दी जल्दी बोला था आंखें बंद, एंटी क्लॉकवाइज, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, जल्दी जल्दी बोला था आंखें बंद, सतेजों को दर्शन, सतेज को दबाव देते हुए पूरा ग्रहण करें, आंखों को टिमटिमाए और हथेली गर्म होते ही संपुट का आकार बना के आंखों पे लगा दे, भीतर से अगर अंधेरा, अंधेरे में आंखों को टिमटिमाए, आंखों को उष्मा प्रदान करे, अनुभव करे मेरी नेत्र ज्योति बढ़ रही है, नेत्र संबंधी सारे विकार दूर हो रहे हैं, अंगुलियों के बीच के छिद्रों से प्रकाश को धीरे धीरे भीतर जाने और धीरे धीरे खोले, कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, पुनः शरीर तैयार, संकल्प को साथ में जोड़े, जिस प्रकार का भी रोग विकार दोष शरीर के भीतर में हर झटके के साथ बाहर निकल रहा है, इसी प्रबल संकल्प के साथ पुनः अपने सामर्थ्य अनुसार करें कपाल बंद,
हृदय मस्तिष्क में होने वाले प्रकंपनों का अनुभव, झनझनाहट का अनुभव, भीतर खालीपन का भाव, निर्विचार भाव, विचार जैसे खो गए, तिरोहित हो गए, अतिरिक्त घटना आत्म पे लगा है, भीतर आत्म को टिमटिम कल का दिन किसने देखा है, आज की दिन को खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों, तो अपने भीतर ही भीतर हास्य को धीरे धीरे प्रस्तुत करें। कानों की क्रिया, कानों को पकड़कर ऊपर की ओर खींचिए, एक दो तीन चार पांच साइड में, एक दो तीन चार पांच नीचे, एक दो तीन चार पांच, दस मिनट भीतर नाखून बड़े हो तो न करे, गोल गोल बोले पीछे बाकी के आगे वी का आकार बनाकर मसाज दे, कान के पीछे के भाग पर उंगली से पूरे कान को एक साथ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, बस कान को पंपिंग करें, बंद करें, खोलें, कल कर बंद करें, भीतर की आवाज सुने, अंतर्ना खोले, रिलैक्स, सर्दी जुकाम साइनस के लिए नाक की क्रिया, हाथों के अंगुलियों को इस ढंग से लो, दोनों अंगूठे दोनों भ्रुकुटियों के ऊपर यहां से दबाव देते हुए नीचे की ओर लाएं और नाक के भाग को कवर करें, नीचे से दबाते हुए ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नाक को प्रताड़ित करें, रिलैक्स, मुंह के लिए जीवा को गोल घुमाएं, हवा को अंदर भरें और गालों को फुलाएं, हवा को अंदर घुमाएं, नाक के द्वारा बाहर पूरा गाल फुलाए और गालों को मसाज दे, जबड़ों के लिए जबड़े की मांसपेशियों में खिंचाव देना है, दांतों को आपस में कसकर भीजे और यहां की मांसपेशियों को खींचे, रिलैक्स, स्वरें वोकल कोड के लिए तीन उंगली मुंह में जाए उतना मुंह खोले, गर्दन को थोड़ा पीछे करें और आर की आवाज करें, लंबा गहरा श्वास ले, आ
पुनः एक बार पूरा श्वास भर ले। कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, राइट की तर्जनी उंगली दोनों घुटनों के बीच, राइट नॉस्टल पर अंगूठा, वाम भस्त्रिका, लेफ्ट से ही श्वास ले, लेफ्ट से ही छोड़े 8 बार, श्वास लेने पर भी जोर, श्वास छोड़ने पर भी जोर, 90 बार में लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़े, ताकत करें। भरे धीरे धीरे राइट से छोड़े, दक्षिण भस्त्रिका राइट से ही ले, राइट से ही छोड़े 8 बार, 90 बार में राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़े। बड़े धीरे धीरे लेफ्ट से छोड़े, रिलैक्स दोनों हाथ ज्ञान मध्यम भस्त्रिका, पूरा सब पूरा श्वास भरे, पूरा खाली करें 8 बार, 9 बार में श्वास भर करों के कुंभक करें, हाई बीपी हार्ट के प्रॉब्लम वाले कुंभक में कार्य करें। बड़े धीरे धीरे छोड़े, अति आंख पे लगाए, भीतर आंख को टिंग दिखाए और धीरे धीरे छोड़े, मुस्कुराओ, जगत सारा मुस्कुराएगा, मुंह फुला बैठो न कोई पास आएगा, बिखेरो खुशियां हमेशा खुले हाथों से, तुम्हारा हर बर्ताव नूतन रंग लाएगा। तो पुनः हंसियो, दोनों हाथों को आगे फैलाते, सांस भरते हुए हाथों को खोल गए और एकदम से हंस पड़े। पुनः एक बार एक बार हो गर्दन की क्रिया धीरे धीरे ले, जितना पीछे जिसने देखे सीधा राइट, सीधा लेफ्ट, सीधा राइट, सीधा लेफ्ट, सीधा राइट, सीधा अप, पूरा तनाव सीधा डाउन की क्रिया सर्वाइकल पेन वाले ने कहा, डाउन छुट्टी को खंड रूप से दबा दी, सीधा अप, सीधा डाउन, सीधा अप, सीधा डाउन, सीधा क्लोक वे धीरे धीरे पूरा है,
केवल लेफ्ट साइड कान को कंधे से लगाने की कोशिश, सीधा राइट, सीधा लेफ्ट, सीधा राइट, सीधा लेफ्ट, सीधा राइट, सीधा लेफ्ट। कंधों के लिए दोनों हाथ घुटनों पर, सांस भरते हुए कंधे उठाएं, सांस छोड़ते हुए पीछे से आगे गोलाकार घुमाएं, आगे से पीछे, शुष्क नोड़ी, एक एक अंदा बारी बारी, विपरीत उल्टा, पीठ के लिए राइट हैंड अप, लेफ्ट से लोड करें और लेफ्ट साइड में पूरा खींचे, अप हाथ बदले, राइट अप लेफ्ट अप राइट अप लेफ्ट अप राइट अप रिलैक्स। सीने और फेफड़ों के लिए दोनों हाथ सीधे, श्वास भरते हुए पूरा सीना फुला लें, छोड़ें, बने, छोड़ें, बने, छोड़ें, रिलैक्स। हाथों की मुद्रा इस ढंग से बनाए, श्वास भरते हुए जोर लगाते हुए हाथों को अपनी ओर खींचे और थ्रो के आवाज के साथ मुंह से प्रसाद करें, बड़े श्वास थो, हाथ को छोटा करें, खींचे थो, खींचे थो, रिलैक्स। हाथों एवं अंगुलियों के लिए दोनों हाथ सीधे, एक एक अंगुली अलग अलग संचालित करें, अंगुली अंगूठा अलग अलग, एक साथ जल्दी जल्दी कसकर मुष्टि बंद कर ले, खोले अंगुलियों में पूरा तनाव दे, बंद करें, खोले बंद करें, खोले बंद करें, खोले हथेली अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, मुष्टि बंद, कलाई का भार, विपरीत उल्टा, दोनों हाथ सीधे कोहनी के लिए, अपने आप को शाबाशी दे, दूसरे से आशा मत करो कि कोई शाबाशी देगा, स्वयं अपने आप को हम अच्छे कामों के लिए शाबाशी दे सकते हैं, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे, अपने आप को बोलो अच्छे अच्छे बहुत अच्छे, मुष्टि बंद जल्दी जल्दी, रिलैक्स। पेट के लिए कमर गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सूक्ष्म भस्त्रिका, तेजी से श्वास प्रश्वास, पेट का हलन चलन साथ साथ चले, पेट में खिंचाव आए तो तुरंत रुक जाए, रिलैक्स, मंद श्वास, पेट के लिए अग्निशार, श्वास को पूरा बाहर निकालकर बाहर रोक लें और पेट को भीतर बाहर हिलाएं, हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम
वाले श्वास पुनर होंगे, पूरा श्वास बाहर, पेट को हिलाए, मन श्वास पेट के लिए उठिया, श्वास को पूरा बाहर निकाल कर बाहर रोक ले और नाभि को जितना भीतर खींच सके खींचने की कोशिश करें। हाई बीपी हार्ट की प्रॉब्लम वाले सांस को न रोके, पूरा सांस बाहर, नाभि को भीतर खींचे, पेट में गड्ढा सा बन जाए, छोड़े मंद श्वास। हथेली मुसलसल आंखों पे लगाए, भीतर आपको टिमटिमाए और धीरे धीरे खोले, न फंसो न फंसाओ, हंसो और हंसाओ, तो अपने भीतर पुनः अंतर से धीरे धीरे हास्य को प्रस्फुटित करें। कमर के लिए दोनों हाथ गर्दन के पीछे, धीरे धीरे लेफ्ट साइड कर देते हैं, लेफ्ट कोने को देखो, सीधा राइट, सीधा लेफ्ट, सीधा राइट, सीधा लेफ्ट, सीधा राइट, सीधा लेफ्ट, कोने को लेफ्ट साइड की जमीन पर लगाए, राइट कोने को ऊपर, राइट अप लेफ्ट अप राइट अप लेफ्ट अप राइट अप रिलैक्स, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड, राइट हैंड अप, श्वास भरे, श्वास छोड़ते लेफ्ट साइड में झुके, कोने जमीन पर लगा, अप डाउन लेफ्ट अप, श्वास भरे, सांस छोड़ते राइट अप डाउन राइट, सांस भरे, सांस छोड़ते लेफ्ट अप डाउन लेफ्ट इज अप, सांस भरे, सांस छोड़ते राइट अप, लेफ्ट मुष्टि बंद कर पीछे की ओर लगाएं, सांस राइट हैंड अप, सांस भरे, सांस छोड़ते लेफ्ट घुटने को नाक का स्पर्श अप डाउन लेफ्ट हैंड अप, सांस भरे, सांस छोड़ते राइट घुटने को नाक का स्पर्श अप डाउन राइट हैंड अप, सांस भरे, सांस छोड़ते लेफ्ट अप डाउन लेफ्ट हैंड अप, सांस भरे, सांस छोड़ते राइट दोनों मिला लें, दोनों हाथ लेफ्ट है जंगाओं के लिए, बटरफ्लाई पैरों को जितना नजदीक ले सके नजदीक ले, घुटनों को अप डाउन, एक सन्यासी किसी चोर के घर पर मेहमान और उसके साथ उसका एक शिष्य भी था। सन्यासी ने कहा, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है और पिछले काफी दिनों से मैं चोर से भी कुछ सीख रहा हूं। उसने कहा, चोर से क्या सीख रहे हो? चोर पहले से नाम चोर है, उससे आप क्या सीखोगे? उसने कहा, सीख रहा हूं। जब वह चोर रोज चोरी करने जाता, सन्यासी सो जाता था, आप सो जाओ मैं अपने काम पे जा रहा हूं, और जब आता तो सन्यासी पूछता, क्या हुआ, कुछ मिला? उसने कहा, नहीं। और फिर दूसरे दिन निकलता, फिर ऐसा ही हुआ, लेकिन काफी दिन बीत गए, 20-25 दिन बीत गए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। वह चोर चोरी करने जाता तो कभी संतरी मिल जाता, तो कभी और कोई राहगीर मिल जाता, कभी लाइट चालू मिल जाती, पर चोरी नहीं कर पाता। तो उन्होंने कहा, तुम रोज रोज मेहनत करते हो,
परेशान होते हो, मिलता तो कुछ है नहीं। उसने कहा ऐसा नहीं है, हमेशा आशा के साथ हम अपना काम करते रहेंगे तो निश्चित एक न एक दिन मिलेगा। और ये बात सन्यासी के मन में जग गई, क्योंकि सन्यासी का मन डावाडोल हो चुका था कि क्या है, मैंने सन्यास तो ले लिया लेकिन कुछ मिलता नहीं, न ईश्वर मिलता है न कुछ मिलता है। लोग कहते हैं मैंने सन्यास ले लिया, मिलता कुछ नहीं। लेकिन चोर ने सिखा दिया, उम्मीद रखो आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। और सन्यासी को भी एक दिन परमात्मा से साक्षात्कार हो गया और चोर को भी चोरी का बहुत सामान मिल गया। तो उम्मीद हमें करनी चाहिए प्रेक्षा ध्यान में। अगर पहले ही दिन आप घबराने लगे कि बस सांस देखा उससे क्या कुछ हुआ तो नहीं, या शरीर देखा उससे कुछ हुआ तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप निरंतर अभ्यास करते जाएंगे तो निश्चित ही एक न एक दिन आप जरूर सफल होंगे और ध्यान की गहराइयों को छुएंगे। करें अगले दोनों पैर एक बार खोलें, पंजों को अप डाउन करें, बोला विपरीत पैरों का आपस में टकरा। दोनों पैरों के बीच फासला, अंगूठा जमीन पे लगाने की कोशिश। दोनों पैर मिला लें, एक एक घुटना तक। दोनों घुटने एक साथ। दोनों पैर एक साथ खोलकर एक साथ खोलें। अंगुलियां अंगूठे आगे की ओर दबाए, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे और रिलैक्स। आराम से बैठे, किसी भी ऐसे सुखद आसन में बैठे जिसमें सुखपूर्वक 20 मिनट बैठा जा सके। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन अथवा वज्रासन, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा अथवा भीतरागु मुद्रा। आंखें कोमल दास बंद, 3 बार महाप्राण ध्वनि, लंबा गहरा श्वास ले। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, एकदम ढीला छोड़ दे। योगिक क्रियाओं के दौरान, प्राणायाम के दौरान शरीर के किसी भी भाग में खिंचाव आया हो, तनाव आया हो, उसे देखें, अनुभव करें और शिथिलता का सुझाव दे। पैर के अंगूठे से लगाकर सिर प्रत्येक अवयव का अवलोकन कर लें। चित्त को प्रत्येक अवयव से गुजारते हुए पैर के अंगूठे से मस्तिष्क तक पहुंचाएं और पुनः मस्तिष्क से पैर के अंगूठे तक पहुंच जाएं। अगर कहीं तनाव, खिंचाव, दर्द महसूस होता हो, अकड़न, जकड़न, उसे शिथिलता का सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए,
शिथिल हो जाए अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, दर्द नहीं, खिंचाव नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। अनुभव करें शरीर के चारों नीले रंग के परमाणु फैले हुए हैं, मयूर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग, आसमान की भांति चमकता हुआ नीला रंग। या ऐसी कल्पना करें कि अंधेरे कमरे में हम ध्यान कर रहे हैं, नीले रंग का बल्ब जल रहा है, चारों नीले रंग की रोशनी, नीले रंग का वातावरण। अब इस नीले रंग का श्वास लें, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चित्त को विशुद्धि केंद्र कंठ के मध्य भाग पर केंद्रित करें, वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें, नीले रंग का प्रकाश पुंज देखें। चित्त को ज्योति ज्ञान ललाट के बीचों बीच केंद्रित कर अनुपेक्षा करें। मेरे साथ शब्दावली दोहराएं, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है,
मानसिक संतुलन बढ़ रहा है, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन रहा है, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। इस शब्दावली का 9 बार मानसिक जप करें, मन ही मन से दोहराएं, बाहर उच्चारण न करें। जाने दे भीतर तक, गहराई तक, अवचेतन मन तक, ताकि जब जब भी असहिष्णुता की स्थिति उत्पन्न हो, अवचेतन मन से सहिष्णुता के भाव प्रस्फुटित हो, सहिष्णुता का सामर्थ्य जाग जाए। जाने दे भीतर भीतर और गहराई तक जाने दे, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है, सहिष्णुता का भाव पुष्ट हो रहा है, मानसिक संतुलन बढ़ रहा है। अनुचिंतन करें, हमारा शरीर किनके से प्रभावित होता है, शारीरिक संवेदन, ऋतुजनित संवेदन, ऋतुओं से, सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत, शिशिर, सभी प्रकार के ऋतुएं हमारे शरीर को प्रभावित करती है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ लगे तो बेचैन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगी तो घबराहट होने लगती है। ये क्यों होता है? क्योंकि शरीर उन संवेदनाओं को ग्रहण करता है और संवेदित होता है, पर हमें सर्दी हो अथवा गर्मी, कैसा भी मौसम क्यों न हो, हर ऋतु को मुझे संभाव से सहन करना है। शरीर के भीतर सामर्थ्य हर ऋतु को संभाव से सहन कर सके, रोग जनित संवेदन, रोग भी हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं,
थोड़ा सा रोग क्या आ गया, बेचैन हो जाते हैं, घबराने लग जाते हैं, इतना ही कष्ट साध्य रोग क्यों ना आ जाए, हम उसके लिए घबराए नहीं, व्यथित न हो, बेचैन न हो, उसका उपचार करें, निदान करें। रोग आया है तो जाएगा, शाश्वत नहीं, अनित्य है। हमारे शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास हो ताकि रोगों का सामना किया जा सके। मानसिक संवेदन, हमारा मन किन किन से संवेदित होता है, सुख दुख, दोनों ही मन की प्रवृत्तियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आ जाता है। नितांत अकेला सुख किसी के जीवन में नहीं होता, और बिना दुख के अनुभूति के सुखानुभूति भी तो नहीं की जा सकती। सुख में हम बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं और दुख बहुत ज्यादा बेचैन, और दोनों ही तो शाश्वत नहीं, ना तो सुख शाश्वत है ना दुख शाश्वत है। सुख भी टिका हुआ नहीं रहता और दुख भी टिका हुआ नहीं रहता, जहां सुख है वहां दुख तो आएगा ही, और जहां दुख है वहां सुख भी आएगा। कितनी ही बार मन चाही बात पूरी नहीं होने पर मन दुखी हो जाता है, इतनी ही बार अनचाही बात हो जाने पर भी मन दुखी हो जाता है। बात अनचाही हो तो मन चाहिए, दोनों ही परिस्थितियों में मेरा मन संतुलित रहे, समता में रहे। अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूल परिस्थिति मन को अच्छी रखती है क्योंकि वह मन अनुकूल है, और प्रतिकूल परिस्थिति आई तो मन बेचैन हो जाता है। सदैव परिस्थिति अपने ही मन के अनुकूल रहे यह आवश्यक नहीं, अतः प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारा मन संतुलित रहे, समता में रहे, क्योंकि परिस्थितियां सदैव एक जैसी नहीं रहती। भावना संवेदन, हमारी भावनाएं किन किन से प्रभावित होती है, विरोधी विचार, ऐसे विचार जो मेरे विचार पे मेल न खाते, ये आवश्यक नहीं कि सबके विचार एक जैसे हो, यह भी आवश्यक नहीं कि आपके विचार ही सही हो, सामने वाले के विचार भी सही हो सकते हैं। अतः सामने वाले के विचारों को सुने, समझे, आदर दे। बाद में उसे कसौटी पर कसे, उचित लगते हैं तो माने, ना उचित लगे तो छोड़ दें, तकरार न हो। विरोधी रुचि, प्रत्येक व्यक्ति की रुचि भी अलग अलग होती है,
अतः अपनी रुचि को सामने वाले पर न थोप दे, सामने वाले की रुचि को भी आदर दे। विरोधी स्वभाव, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव भी अलग अलग होता है, अतः सामने वाले की स्वभाव के साथ अपने स्वभाव का समायोजन करें ताकि विग्रह की स्थिति से बचा जा सके। और हम भावनात्मक रूप से पूर्णतः स्वस्थ रह सके। मेरी हरकत सहन करे हो, क्यों न मैं उसकी सहन करूं। जीवन साथ निभाना है तो सहिष्णुता के साथ, सहिष्णुता के साथ शारीरिक, मानसिक और भावना तीनों प्रकार के संवेदन मुझे प्रभावित करते हैं। यदि इनका प्रभाव बढ़ा तो मेरी शक्तियां क्षीण होंगी, घटेंगी। जितना मैं इनसे कम प्रभावित होऊंगा, मेरी शक्तियां बढ़ेंगी। इसलिए सहिष्णुता का विकास मेरे जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। मैं निश्चित ही सहिष्णु बना रहूंगा। सहिष्णुता, 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 तीन बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। गहरा श्वास लगा दें, हल्की मालिश करें और धीरे धीरे आंखों को जमीन की ओर खोलें। परमेश्वर नमस्कार। ओम रेम नमो अरहंतानम। श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर, श्वास छोड़ते लीजिए। ओम रेम नमो सिद्धानम। श्वास भरते ऊपर मुद्रा बनाए, श्वास छोड़ते हुए लीजिए। ओम रेम नमो आयरयाणम। श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड, श्वास छोड़ते हुए बीच में। ओम रेम नमो उवज्जायाणम। श्वास भरते हुए निमेश जैसे ऊपर देखे, श्वास छोड़ते हुए बीच में। ओम रेम नमो लोए सर्वसाऊणम। अंजलि मुद्रा, श्वास भरते हुए ऊपर उठाए, श्वास छोड़ते हुए अर्पण करते हैं। दोनों हाथ जोड़े, अपने आप को भावित करें, सभी उच्चारित करें। मैं ज्ञानमय हूं, मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम 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 नमः। बैठ, अपने भीतर पुनः एक बार हास्य को प्रस्फुटित करें। ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज भूमन जगे चेतन
करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, आनंददायक हो, शुभकामनाओं के साथ हो। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी।